हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस के चैप्टर में ही आगे आज हम डाटाबेस कंपोनेंट्स और डी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे डी में पांच मेजर कंपोनेंट्स होते हैं पहला है हार्डवेयर नाउ हार्डवेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स पहला है इसमें प्रोसेसर एंड मेन मेमरी प्रोसेसर या मेन मेमोरी का यूज़ होता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें प्रोसेसर और मेन मेमोरी की ज़रूरत होती है तो डाटा के अंदर भी हमें प्रोसेसर या मेन मेमोरी की ज़रूरत होती है और जो इसका दूसरा पार्ट है वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अब डाटाबेस आपका फिजिकली जहाँ पे स्टोर होगा वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आ जाएगा नेक्स्ट इज डाटा डाटा इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन एन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटा बेस सो डाटा इज ए information stored in secondary storage software is a layer between physical database secondary storage services to physical database and user जैसे डी बी एम एस एक तरह से सॉफ्टवेयर का बंडल है जो कि प्रेजेंट रहता है बिटवीन फिजिकल डाटा बेस एंड यूजर के बीच में नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स इन ए डी बी एम एस उसको हम अभी देखेंगे डिफरेंट यूजर्स को कौन कौन से यूजर्स होते हैं और कुछ सेट ऑफ़ रूल्स हैं एक डी बी एम एस को मैनेज करने के वो हमारे प्रोसीजर्स कहलाते हैं एक बार इसका एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम हम बना के देख लेते हैं कैसे आपस में लिंक रहते हैं उसके बाद देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स होते हैं सपोज एक यूजर ये है मेरे पास ये डाटाबेस है पूरा यहाँ पे डाटा प्लस प्रोग्राम्स हैं जो कंबाइन करके हमें सॉफ्टवेयर का काम करते हैं ये डी बी एम एस है जो इस डाटा बेस के बाहर है और इसके बीच में है और एक ये यूजर है सपोज दिस इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड दिस इज़ एंड यूज़र सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर अगर कोई भी कोड लिखेगा तो वो डी बी एम एस की मदद से फिजिकली स्टोर हो जाएगा एंड एंड यूजर वेन एवर एक्सेस द डाटा बेस वो भी डी बी एम एस की मदद से डाटा बेस को एक्सेस कर सकता है तो डी बी एम एस की कंपोनेंट्स में आप इसको भी शो कर सकते हैं नाउ लेट सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स इन डी बी एम एस ब्रॉडली हम यूजर्स को फोर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सबसे पहले है नाइव यूजर्स नाइव यूजर्स एंड यूजर होते हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि पीछे डाटाबेस जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है मोस्टली ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम से काम करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ यूजर इज ऑनलाइन यूज़र दे हैव सर्टेन एक्सपर्टीज इन डाटा बेस एंड दे वर्क वाया एन ऑनलाइन टर्मिनल थर्ड काइंड ऑफ यूजर इज डी बी ए जो डाटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसके बारे में हमने डिटेल में पहले पढ़ा था पूरा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शंस के बारे में एंड फोर्थ काइंड ऑफ यूजर इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो यूज़र है जो डाटा को यूज़ करके कुछ एप्लीकेशंस को डेवलप करता है जैसे अगर किसी ने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिससे आप डाटा के अंदर एंट्री कर सकते हैं या एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं तो वो फॉर्म एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने डिज़ाइन किया होगा सो दिस इज़ द डाटा बेस कंपोनेंट्स और ऑल्सो नोन एज एक्टर्स again this is important with respect to the theory exam thank you for watching the video please subscribe to the youtube channel for more tutorials on database and other computer science related subjects thank you